हाँ तो भाई, यो क्या हाल है? तो कैसे हो यार? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे यार। तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, जो कि हम वो एंशिएंट सीक्रेट मतलब टेंपल में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यार, शुरू करने से पहले लाइक करो, कमेंट करो यार, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार, हमारा जो ट्रिक नंबर वन है वो वर्क करता है एंशंट टेम्पल में। जो ऐसा डब्बा पड़ा हुआ है, आपने उसके पास जाना है और ऐसे छलांगे लगानी। छलांगे लगाने के बाद आप सीधा अंदर आ जाओगे। तो आप देख सकते हो मैं अंदर आ गया हूँ सक्सेसफुली। तो आप यहाँ से बाहर सिर्फ व्यू कर सकते हो, किसी को गोली वगैरह नहीं मार सकते। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर टू की तरफ। तो यार, ट्रिक नंबर टू ये है कि आप ये जगह जो आप देख रहे हो, ये सीढ़ियों के पास ये, तो यहाँ पर मैंने अपने टीममेट से कहा कि भाई यहाँ पर आ जाओ और बैठ जाओ। फिर मैं यहाँ पर आके जंप बटन प्रेस करूँगा तो देखना क्या होता है। मैंने अपने टीममेट के लिए यहाँ पे मार्क कर दिया कि भाई आ जाओ, इधर बैठ जाओ। तो जैसे मेरा टीममेट बैठ गया, मैं सीधा उसके पास गया और बूम, देखो गाइस क्या होता है। तो यार, आपने यहाँ पर आने और छलांगा लगाने, उसके बाद बूम गाइस सीधा आप बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पर गाइस दो ट्रिक वर्क करती है, एक बाहर आते हो और एक सीधा ऊपर से फिर मतलब पैराशूट ओपन होता है। तो यार, पैराशूट वाला कभी कभार काम नहीं कर पाता, लेकिन ये जो है ना, ये हमेशा काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर थ्री की तरफ। तो यार, जो ट्रिक नंबर थ्री हमारा, जैसे कि आप पीछे से देख रहे हो कि मैं जिस तरह सीढ़ियों से उधर ऊपर आ गया हूँ, और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इधर पीछे आ गया हूँ। उसके बाद आपने अपने जॉयस्टिक को पीछे की तरफ पुश करना है, और उसके बाद आपने करना है जंप। तो देखते हैं गाइस होता है कि नहीं। तो यार, आपने पीछे की तरफ पुश करना है, उसके बाद आप ऊपर आ जाओगे, उसके बाद सीधा अंदर की तरफ पुश करना है और जंप करना है। उसके बाद बूम गाइस सीधा आप इस कमरे के अंदर आ जाओगे। तो यार, बढ़ते हैं ट्रिक नंबर फोर की तरफ। तो गाइस, हमारा जो ट्रिक नंबर फोर है वही प्रोसेस है। यहाँ पर आपका टीममेट बैठ जाएगा, आपने उधर जाना है, उसके बाद जंप बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करना है, और देखो गाइस बूम क्या हो गया। तो यह ग्लिच यार कभी कभार वर्क नहीं कर, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, बट यार कभी कभार मतलब काफ़ी ज़्यादा बार वर्क करता भी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो यार, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। यार, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। तो यार, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो।